जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कहाँ से आए आप लोग? अरे फोटो खींचो तो। क्या कैसा लग रहा है आप? कहाँ कहाँ घूमे यार? हो गया ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। हनुमान का आशीर्वाद लेंगे जी जी। ये फैमिली है आपका कैमरा वाला है ना? सर आज समर फेस्टिवल की अंतिम सांस्कृतिक संध्या थी, आपने भी कार्यक्रम का लुत्फ उठाया, अब आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए समर फेस्टिवल जब हम छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, हम सब लोग इस समर फेस्टिवल में जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, स्कूलों में पढ़ा करते थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तब से हम देखने आया करते थे। राटा जी और हम सब लोग तो पहले से यही कॉलेज में पढ़े और यहाँ आए, बहुत अच्छा लगता है। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे टाइम के हमारे गायक होते थे, अब नई पीढ़ी के गायक हैं। दूसरा मैं अभी मालपुर से इसलिए भी आया हूँ कि हमने हिमाचल प्रदेश में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उसको जो ईटिंग जॉइंट्स हैं ढाबे हैं उनको हमने कहा कि आप जब तक चाहें 24/7 खोल सकते हैं। तो मैं देखने आया था कि जो भी दुकानदार है वो भी खोल सकते हैं, जो हमारे शिमला कसौली मनाली रास्ते में जो और है कोई उनको तंग ना करे। तो इस दृष्टि से मुझे बड़ी खुशी हुई कि जितने भी अभी 10:30-11 बजे हैं सब ईटिंग जॉइंट्स फुल हैं, खाने की जगह फुल है, बच्चे भी खा रहे हैं, युवा भी खा रहे हैं। तो इससे हमारे को ये खुशी हो रही कि जो बाहर से हमारे पर्यटक आते हैं, जो हमारे अतिथि देवो सत्कार की जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति का परिचय हिमाचल में भी मिलता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो कोई ऐसा ना हो, कई बार हमारे समय में 10 बजे ही ढाबे बंद होते, खाने को नहीं मिलता था। तो आज सब टूरिस्टों को जब तक दिल है आके खा सकते हैं, कार्यक्रम का भी आनंद उठा सकते हैं। एक चीज़ और, जब आप माल रोड या रिज की तरफ आते हैं तो वापसी आपकी ज़्यादातर पैदल ही होती है, माल रोड की आप सैर करते हैं, माल रोड से कुछ खास लगा? नहीं, माल रोड से कोई खास लगा नहीं, जीवन ही माल रोड पर घूमे हैं, कौन सो रहे हैं। पहले तो सीढ़ियाँ होती थी उस पर बैठा करते थे, जो अब वो सीढ़ियाँ उन्होंने तोड़ दी। तो जब यूनिवर्सिटी पढ़ा करते थे तो भी एक हमारा गोल चक्कर रिपोर्टिंग रूम के सामने होता था, एक प्यार अपनापन होता ही है पुराने दिनों को याद, और पुराने साथी भी है सब हमारे समय के साथी है। पुराने दिन तो अतीत को याद रखना चाहिए, वर्तमान का सामना करना चाहिए और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, ये हमारी नीति है। सर बच्चों के साथ काफी लगाव देखा आपने, बच्चों के साथ मिले हैं, पॉपकॉर्न नहीं सर आपने बच्चों के साथ शेयर किया? बच्चे हमारे हैं और नई पीढ़ी और नई दिशा की सोच के बच्चे हैं, उनके हिसाब से हमें चलना भी पड़ेगा और उनके लिए हमें रोजगार के अवसर पैदा भी करने पड़ेंगे। थैंक यू सर।